नमस्कार। अब हम यहाँ पे धीरे धीरे करके कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो सीटेट में आए हुए प्रश्न हैं प्रीवियस ईयर्स में, और उनकी ऑप्शंस के जो उनमें आने वाले जो ऑप्शन है उनका एनालिसिस करेंगे। तो मैं आप जो चार प्रश्न आपके सामने लेके आई हूँ वो एक ही जैसे आपको दिखेंगे। कई आपके ईयर वाइज आए हुए ये प्रश्न हैं, जैसे 2013 का है, 14 का है, 15 का, 16 का, इस प्रकार से प्रश्न है, लेकिन एक ही प्रकृति के प्रश्न, जैसे एक ही कंटेंट से आए हुए प्रश्न हैं। तो हम प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, ऑप्शंस का अध्ययन करेंगे, कौन सा आंसर है इसका अध्ययन करेंगे, और वो क्यों है हम इसका अध्ययन भी करेंगे। पहली बात मेरी, आप जानते रहिए कि अगर आपको ब्लैक बोर्ड मेरी राइटिंग नहीं समझ में आती या ब्लैक बोर्ड से कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं बोलूँगी, आप वो सुनिएगा, संप्रेषण हो जाएगा, और नहीं होगा तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में वो प्रश्न दे दूँगी अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो, नहीं तो आप मेरे जो प्रश्न है मेरे द्वारा जो कहे जा रहे हैं आप उनको नोट भी कर सकते हैं या समझ लीजिए। आप जितनी बार कहेंगे उतनी बार मैं उन प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करा दूँगी। पहले जो आज जहाँ से हमने शुरू किया है, जो ये आपके डिमांड पे ये जो वीडियोस यहाँ पे प्रोवाइड करी जा रही है वो है टूटी संबंधित जो आपके प्रश्न आते हैं बच्चों के। तो शिक्षण में, पेडागॉजी में जो हो आपके त्रुटि संबंधी प्रश्न आते हैं उसके चार प्रश्न मैंने चुन के यहाँ पे रखे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिनको आप एनालिसिस कर लेंगे तो शायद इससे रिलेटेड अगर कोई प्रश्न आएगा तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे पहला प्रश्न है कि बालक के त्रुटियों के बारे में सत्य है, मतलब जो बालक जो एरर करते हैं, त्रुटि, इन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम है जिनको हिंदी में, मैं उनको इंग्लिश में भी बताऊंगी, त्रुटि मतलब एरर, जो बच्चे त्रुटियां करते हैं उसका उसके बारे में क्या कह सकते हैं, ये इनका प्रश्न है। सीटेट 2015 का ये प्रश्न है, उसमें ऑप्शन दिया है असावधानी के कारण बच्चे त्रुटि करते हैं, मतलब पहला ऑप्शन है। आप यहाँ पर आंसर दिमाग में रखिएगा और फिर देखिएगा आप सही लगाते कि नहीं। पहला है असावधानी के कारण बच्चे त्रुटि करते हैं, त्रुटियाँ सीखने का ही अंग है। तीसरा है त्रुटियाँ तब होती हैं जब शिक्षक सौम्य होता है और बच्चों को दंड नहीं देता है। चौथा है आपका ऑप्शन त्रुटियाँ शिक्षक के लिए महत्वहीन होती हैं और उसे चाहिए कि उसे काट दें और उस पर अधिक ध्यान न दें। प्रश्न आप समझ पाए, प्रश्न यह है कि बालक के त्रुटियों के बारे में कौन सी लाइन यहाँ पे सही है, मतलब वास्तव में त्रुटि बालक की कैसी होती है, क्या होती है। तो बालक की त्रुटियों के बारे में यहाँ इन्होंने पहला लिखा कि ये क्या है, त्रुटि जो करते हैं वो असावधानी, मतलब अक्सर हम क्या करते हैं, असावधानी रखते हैं तो त्रुटि कर देते हैं इनके अनुसार। दूसरा क्या है, ये त्रुटियाँ सीखने का एक अंग होती हैं, दूसरा ऑप्शन। तीसरा क्या है आपका, त्रुटियाँ तब होती हैं जब शिक्षक सौम्य होता है, दंड नहीं देता, जब शिक्षक बहुत ज़्यादा पोलाइट हो जाए मेरी तरह, पागलों की तरह, और दंड न दे आपको तो क्या बच्चे त्रुटियाँ करते हैं। और चौथा ऑप्शन आपका क्या, त्रुटियाँ शिक्षक के लिए महत्वहीन है, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है और उसे चाहिए कि उसे काट दे और उस पर अधिक ध्यान न दे। तो ज़्यादातर हम जब इसमें आंसर आप लगाते रहिए, ज़्यादा हम क्या करते हैं कि जो बहुत बड़ा ऑप्शन दिखता है, बहुत बड़ा सा, तो हम उसी को क्या करते हैं यहाँ पे उसी को आंसर बना देते हैं। तो हमें यहाँ इस बात के अध्ययन की आवश्यकता है कि किस प्रकार से हमको यहाँ पे आंसर को चूज करना है। तो देखिए यहाँ जो आंसर है आपका वो ये है, अगर आपके दिमाग में आया है तो आप बिल्कुल सही हैं कि त्रुटियाँ जो होती हैं वो सीखने का अंग है। क्यों? थार्नडाइक के अनुसार ट्रायल एंड एरर मेथड, त्रुटियाँ ही सीखने का जो है अंग होती हैं। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ कहीं थार्नडाइक ने लिखा लेकिन बालक की त्रुटियों के बारे में लिखा है, तो आप कहेंगे हाँ सावधानी होती तो त्रुटियाँ होती हैं, या लिखेंगे कि जब शिक्षक सौम्य होता है दंड नहीं देता, या आप लिखेंगे कि उसे काट देना चाहिए महत्वहीन है। ऐसा आंसर आप कभी भी सीटेट एक्सेप्ट नहीं करता, वह वही आंसर एक्सेप्ट करता है जो किसी किसी सिद्धांत से जुड़ा हुआ हो। पहले तो आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि हर ऑप्शन के पीछे कोई ना कोई सिद्धांत है, चाहे वो मानवता का हो, चाहे सामाजिकरण का हो, चाहे बाल केंद्रितता का हो, चाहे किसी सीखने के नियम का सिद्धांत हो। तो यहाँ पे जो आंसर है क्या, बालक के त्रुटियों के बारे में सत्य है, त्रुटियाँ सीखने का अंग होती हैं, पहला आपका ये आंसर हुआ। ये आया था आपका सीटेट 2015 में, जो आपका सीटेट कंडक्ट हुआ था उसका यह प्रश्न था। दूसरा आपका प्रश्न देखा जाए तो ये 2014 का प्रश्न है, और इसमें देखिए इरफान खिलौने तोड़ता है और
उसके अवयव को अलग कर देता है। तो बच्चे अक्सर करते हैं ना कि कोई भी खिलौना होता है उसको पाते हैं तो उसको तोड़ देते हैं और उसके पार्ट्स पार्ट्स अलग कर देते हैं। देखा होगा गाड़ी लेते दो दिन खेलते टूट फूट के इधर उधर हुई रहती। तो देखिए हम इसके बारे में एक शिक्षक एज अ टीचर क्या सोचते हैं, कभी भी खिलौने के साथ खेलने नहीं देंगे उसको इरफान को, क्योंकि वो तोड़ देता है। सदा कड़ी नज़र रखेंगे, बहुत ज़्यादा निगरानी कि तोड़ने ना पाए। फिर जिज्ञासु प्रवृत्ति को बढ़ावा देंगे और ऊर्जा को सही दिशा देंगे, मतलब उसको जो क्यूरियोसिटी है उसका जो जिज्ञासुपन है वो क्या करेंगे उसको बढ़ावा देंगे और उसकी ऊर्जा जो एनर्जी है उसको सही डायरेक्शन देंगे। फिर क्या है उसे बताएंगे कि खिलौने नहीं तोड़ते। तो टीचर अच्छे अक्सर ये करते हैं कि नहीं बेटा ये नहीं करते, तो हम क्या करेंगे उसको बोलेंगे कि नहीं आपको तोड़ना नहीं है। क्या आंसर लग रहा है आपको, एनालिसिस करिए। मैं आपको बताती हूँ आंसर क्या है। इसका आंसर है हमारा कि जिज्ञासु प्रवृत्ति को बढ़ावा देंगे और ऊर्जा को सही दिशा देंगे। जैसे कि बाल केंद्रित शिक्षा है, तोड़ता है खिलौना तो उसके पीछे रीज़न है कि वो उसका एनालिसिस करता है कि इसके अंदर ये कैसे बना, ये कैसे चल रहा है, उसको क्या उसके अंदर बहुत जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है। और हमें क्या चाहिए, एक शिक्षक को हमेशा उसको बढ़ावा देना चाहिए। इसीलिए उसको करके सिखाते हैं ना कि आप लैब में भेजते तो करता हो सकता है विस्फोट भी करा दे, लेकिन आप क्या करते हैं उसको मौका तो देंगे। आप मौका नहीं देंगे तो नई चीज़ें कैसे सीखेगा। और उसकी जो दूसरी चीज़ देखिए, यहाँ दो पोर्शन है कि उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति को बढ़ावा देंगे, साथ ही साथ जो उसकी एनर्जी है उसको सही डायरेक्शन देंगे कि वो सर पटकने में अपनी एनर्जी ना लॉस करके कोई नई चीज़ इन्वेंट करने में अपनी एनर्जी को वेस्ट करे। तो यहाँ पे हमें इसी प्रकार के आंसर को चूज़ करना है जो बाल केंद्रित हो, बालकों के लिए उपयोगी हो या बालकों के मनोविज्ञान के अंतर्गत आते हैं। साथ ही साथ शिक्षक एज अ पेरेंट्स यहाँ अभिभावक की तरह सोच के जैसे अपने बच्चों को ट्रीट करते वैसे यहाँ पे बच्चों को आपको ट्रीट करना। तो दो प्रश्न आपके हो गए। अगला प्रश्न जो हम देखेंगे सीटेट में 2013 में आया हुआ प्रश्न है यह। इसका जो आंसर है, यदि शिक्षार्थी लगातार गलतियां करे तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। मतलब अगर आपका स्टूडेंट है और लगातार कंटिन्यूसली गलती करता है तो आपको क्या करना चाहिए। तो इसका जो आपका आंसर है, इसमें पाठ की कुछ जो पाठ वो पढ़ा रहा है उसको कुछ समय छोड़कर वापस आना चाहिए। दूसरा क्या है, गलती करने वाले छात्र को पहचान कर प्राचार्य से बात करनी चाहिए। फिर है गलती करने वाले छात्र को कक्षा कक्ष से बाहर खड़ा कर देना चाहिए। फिर अनुदेशन कार्य समय सारणी अथवा बैठने की जो व्यवस्था है उसको परिवर्तित करना चाहिए। तो इसका जो आंसर है आपका वो है अनुदेशन कार्य समय सारणी और बैठने की व्यवस्था परिवर्तित करना चाहिए। यहाँ जब भी आप अध्ययन करेंगे किसी बालक पे उसकी त्रुटियों पे कि वो गलती कर रहा है तो उसको आपको सज़ा देना नहीं है। पहली बात तो ये दंड का कोई प्रावधान नहीं है। दूसरा चीज़ क्या है कि आपको उसको बाहर करना ही नहीं है, उसको ऐसा नहीं कि हाँ उसके हल पे छोड़ दो तो आप उसका लॉस कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि उसकी शिकायत जाके आप प्रिंसिपल से कर दें अगर वो इतना बड़ा गलती नहीं कर रहा है कि उसको दंड दिया जाए। लेकिन यहाँ जब अनुदेशन कार्य जो आपका इंस्ट्रक्शन है और जो आपका टाइम टेबल है और जो बैठने की व्यवस्था है अगर उसको चेंज करेंगे तो बच्चे जो हो गलतियाँ करते रहते हैं उनका जो शेड्यूल होता है चेंज होता है तो नई चीज़ें एडजस्ट करने में क्या होता है कि उनका जो माइंड का इन्वॉल्वमेंट होता है वो चेंज हो जाता है और जो गलतियाँ होती हैं उनके होने की संभावना भी कम हो जाती है। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो मनोविज्ञान के द्वारा बच्चों की गलतियों को कम करने में सहायक होती हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियाँ व त्रुटि। ठीक है, अगर ये हमसे पूछा जाए कि शिक्षार्थी जो गलती या त्रुटि करते हैं उसका क्या मीनिंग है या क्या रोल है, तो आंसर क्या है, बच्चों को कमज़ोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के लिए अच्छे अवसर के रूप में। अगर कोई बच्चा त्रुटि करता है तो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये कमज़ोर है या ये उत्कृष्ट है, पहला ऑप्शन आपका। दूसरा ऑप्शन है आपका शिक्षक एवं शिक्षार्थियों की असफलता का सूचक। अर्थात अगर हम त्रुटि अगर देखें, कोई बच्चा गलती करता है तो ये माना जाता है कि ये शिक्षक की या शिक्षार्थी की असफलता है। क्या ये सही है, एनालिसिस करिए। उसके चिंतन जो चिंतन करता है उसको समझने के अवसर के रूप में हमें समझना चाहिए, ये तीसरा ऑप्शन है। या कठोरता से निपटाए जाना चाहिए, मतलब अगर कोई बच्चा गलती करता है तो क्या आप उसको कठोरता से निपटाएं, ये
ऐसा टीचर आपको शोभा देता है? नहीं, बच्चों को कमज़ोर या उत्कृष्ट नहीं करेगी, तुम बहुत खराब हो, तुम बहुत अच्छे हो, ऐसा भी आपको नहीं करना। शिक्षक और शिक्षार्थी की असफलता का सूचक, त्रुटियाँ नहीं असफलता का सूचक होती हैं, ये बात आप दिमाग से निकाल दीजिए। लेकिन आपका जो आंसर है वह उसके चिंतन के जो चिंतन वो करता है उसको समझने के अवसर के रूप में हमें समझना चाहिए कि बच्चा का त्रुटि करे तो उसके सोचने का तरीका कैसा है, उसके चिंतन का स्तर क्या है, या किस प्रकार बालक सोचता एवं सीखता है। या आपके सीटेट के सिलेबस में भी ये बालक किस प्रकार सोचता एवं सीखता है, तो यहाँ आपको समझना चाहिए वो गलतियाँ जो त्रुटि करता है उससे भी हम जान जाएंगे कि बालक किस प्रकार सोचता और सीखता है। तो ये आपके चार प्रश्न जो बालक के त्रुटियों से रिलेटेड थे। नेक्स्ट सीरीज़ में हम अगले एक ही जैसे प्रश्न यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत करेंगे।